सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू रियलिस्टिक ग्लोइंग मून फोटो एडिटिंग, जो गाइस इंस्टाग्राम पर आपने देखी होगी। और आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल बताऊंगा, तो आप लोग जो कंप्लीट वीडियो देखना है, स्टॉक वगैरह जो सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को करना है क्या गाइस, आप लोगों को अपनी फोटो को पहले कुछ इस टाइप से क्लिक करवा लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को करना है कि यहाँ पे गाइस आपको जाना है यहाँ पे एडजस्टमेंट, इसके बाद जो इसकी ब्राइटनेस को जो है थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड इन्वर्ट कर देना है इरेजर टूल में जाके। फिर ब्रश लेना है, ब्रश को साइज अपने अकॉर्डिंग रख के आपको जो बीच में इस तरीके से पेंट कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको फोटो को डन कर देना है। और उसके बाद आप सभी को सिंपली करना है कि आपको चले जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको सभी को सबसे पहले यहाँ पे ऐड करना है मून का PNG। सो हम जो है इसको यहाँ पे कुछ स्टेप से रख लेते हैं। ओके गाइस, सो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको जो है दोबारा से ऐड फोटो में जाना है। पहले फोटो को डन कर लेना, या फिर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको जाना है ऐड फोटो में, यहाँ से आप सभी को ये दो PNG ऐड करना है, ये वाला, ठीक है। पहले ये वाला ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको ऊपर की साइड में कुछ इस तरीके से रखेंगे। और जो स्टोन वगैरह है जो इसमें से मतलब काफ़ी सारे, तो इरेजर टूल में जाके हमें कुछ स्टोन जो है रिमूव करने हैं। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा आगे से रिमूव कर लेते हैं और बीच में से थोड़ा सा एंड साइड साइड से, ठीक है। तो आप लोगों को जो है कम से कम ही रखना है स्टोन, ठीक है। आप लोग जो है मतलब जो बड़े बड़े से जो दिख रहे हैं आपको ये रखना है एंड छोटे मोटे थोड़े से रख लेना, ठीक है। बाकी जो है ठीक है। यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे पहले इसको डन करना है, थोड़ा साइज इंक्रीज़ करके उसको। और फिर इतना हो जाने के बाद आपको जो है थोड़ा ऊपर की साइड में इस तरीके से रख देना है। एंड उसके बाद ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को ये वाला PNG, ठीक है, अर्थ का। और उसको जो आपको कुछ इस टाइप से ऊपर की साइड में इस तरीके से रख देना है। और यहाँ से जो आप सभी को एडजस्ट में चले जाना है, एडजस्ट में जाने के बाद इसकी ब्राइटनेस को कम कर देना है। एंड इसके बाद आप सभी को यहाँ पर डन करना है। एंड उसके बाद जो स्टोन जो है हमारे पीछे, इनका भी ब्राइटनेस आपको कम रख लेना है। तो एडजस्ट में जाके इसका ब्राइटनेस हम कम कर लेंगे। सो इतना रख लेते हैं। एंड अभी ये ब्राइटनेस कम करने की वजह से गायब हो रहा है, बट गाइस कोई नहीं, यहाँ पर जैसे आप फोटो को डन करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होने लग जाएगा। कभी कभी पिक्सआर्ट में भी ग्लिच चलते हैं ऐसे छोटे मोटे, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो देख सकते हैं वापस आ चुका है। अब यहाँ पर हम इसको डन करते हैं। इतना होने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड फोटो में जाएंगे एंड यहाँ से ऐड करेंगे एक पार्टिकल का PNG, ठीक है। एंड इसको ऐड करने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को नीचे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग मोड में जाना है, इसको स्क्रीन कर देना है एंड इस तरीके से आपको यहाँ पे रख देना है, ठीक है, मून के पास। और जो बाकी के जो वेस्ट पार्ट होंगे, जैसे कि फेस के ऊपर जो आ रहा है इसको रिमूव कर देना है एंड जो ऊपर स्टोन की तरफ आ रहे हैं इनको रिमूव कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पर फोटो को डन कर लेना है आप सभी को। फिर उसके बाद ऐड फोटो में जाना है। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद आप लोगों को करना क्या, यहाँ से ऐड करना है आप सभी को एक बटरफ्लाई का PNG, जो कि ये वाला है। एंड उसके बाद आप सभी को देख लेना, आपको जहाँ जहाँ ठीक लगे वहाँ वहाँ लगा लेना। बाकी मैं तीन चार जगह लगाऊंगा, जैसे कैसे कि यहाँ पे हैंड के पास, ठीक है। एंड यहीं से इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे हम। और डुप्लीकेट करके जो एक हम यहाँ पे शोल्डर पर रख लेते हैं, इसको रोटेट कर लेंगे यहाँ पे। और इसमें शेडो भी शो हो रही है, तो आप चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रोटेट करके जो है आप मतलब चार पाँच जगह पर लगा लेना। मैं हेयर्स के ऊपर भी लगा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ से हम जो इसको इस तरीके से रख लेंगे, ठीक है। तो बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से, आपको जहाँ जहाँ ठीक लगे। तो बाकी अभी जो है मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे बीच में भी लगा देता हूँ यहाँ पे, परफेक्ट है गाइस, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हम सेव कर लेंगे यहाँ से एंड इसको लेके चलेंगे लाइट रूम में, ताकि जो रिटच करके जो हम इसको और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बना पाए। तो यहाँ पर लाइट रूम में हमने ऐड कर लिया है फोटो को। तो सबसे पहले हम इसकी लाइट को करेक्ट करेंगे। तो लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद पहले इसको हम कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे, हाईलाइट्स को जो इंक्रीज़ कर देंगे, ताकि जो ग्लोइंग इफेक्ट हो थोड़ा अच्छे से नज़र आए। और जो ब्लैक है इसको कम कर देंगे, वाइट को कम कर देंगे एंड शेडो को यहाँ पे हम हल्का सा माइनस की तरफ रखेंगे। फिर कलर्स में जाएंगे, वाइब्रेशन बढ़ा देंगे एंड मिक्स में जाएंगे, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, इसका ल्यूमिनस बढ़ाएंगे पहले और सैचुरेशन थोड़ा सा कम। येलो कलर लेंगे, इसका ह्यू हम माइनस कर देंगे। ब्लू कलर लेंगे, इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस एंड कर देंगे डन। फिर यहाँ से नीचे वाला टूल में जाएंगे एंड यहाँ से पहले फोटो की क्लियरिटी को बढ़ा देंगे, फोटो में विग्नेट डाल देंगे और नीचे स्क्रॉल करके हम इसका फीदर को इंक्रीज़ कर देंगे 100% एंड नीचे वाले टूल में जाकर फोटो की शार्पनेस बढ़ा देंगे। एंड फाइनल रिजल्ट का ये सब देख सकते हैं, हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आई होप कि आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।